हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम जो है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी से रिलेटेड जो है वो कंप्यूटर के वीडियोस लेकर आपके सामने आए हैं। इससे पहले हमने जो है उस सीरीज में जो है वो कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन का जो है वीडियो आपके सामने दिखाया था। आज जो है हम आपके सामने जो है वो कंप्यूटर के सेकेंड जनरेशन का वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो है वो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड जनरेशन में जो है वो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल शुरू हो गया। ये आपके पास फोटोग्राफ्स हैं ट्रांजिस्टर की, ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम की जगह स्थान ले लिया मैग्नेटिक टेप ने, ठीक है। और ये एक फोटोग्राफ है आपके पास सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का, ठीक है, जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर है उनकी फोटोग्राफ है, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो 1940 से 56 तक थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जिसके बारे में हमने इस वाले वीडियो में पढ़ना था, वो 56 से 63 तक थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर 1964 से 71, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर 71 से 80, और अब वर्तमान में फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर चल रहे हैं 80 के बाद। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ, सेकेंड में ट्रांजिस्टर का, थर्ड में आईसी का, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में क्वांटम कंप्यूटर का। हम रिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे एनियाक, ठीक है। कितने बड़े बड़े साइज के होते थे वो हमने देखा, ठीक है, एडवैक, और पहला जो कमर्शियल कंप्यूटर था यूनिवैक, ये सब फर्स्ट जनरेशन के जो है वो कंप्यूटर थे। एसी का इस्तेमाल होता था, ठीक है। मेमोरी के रूप में जो है मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल करते थे इंटरनल मेमोरी के रूप में, और जो प्रोग्रामिंग होती थी वो मशीन और असेंबली लैंग्वेज में होती थी, ठीक है। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 का इस्तेमाल करता था, ठीक है। तो ये वैक्यूम ट्यूब्स की जो है फोटोग्राफ्स थी, ठीक है। पंच कार्ड का भी जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। अब हम आते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के ऊपर, जिसका टाइम पीरियड था 1956 से लेकर 1963 तक। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में आते आते जो है वो ट्रांजिस्टर में जो है वो हो गया। तो अब जो है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में हम क्या इस्तेमाल करने लगे, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर, ठीक है। और इस ट्रांजिस्टर का जो है विकास, और या के एक तरह से हम कहें सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का विकास जो है वो 1947 में विलियम शॉकले ने किया था, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले चार चार कमरों के कंप्यूटर होते थे, 300-300 टन के कंप्यूटर होते थे, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगाई जाती थी, ठीक है, 1.5 लाख वॉट इस बिजली का इस्तेमाल करते थे। अब जो है कंप्यूटर जो है धीरे धीरे छोटे होने लगे, स्पीड भी बढ़ गई उनकी और थोड़े सस्ते भी हो गए। अब चार कमरों का कंप्यूटर लेने के बजाय जब फ्रिज के साइज का कंप्यूटर लेंगे तो वो ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। साइज भी छोटे हो गए, स्पीड भी बढ़ गई, ठीक है, सस्ते हो गए। जैसे अब मोबाइल देख रहे हैं आप, मोबाइल की साइज भी जो है वो पहले के मुकाबले जो है वो ठीक हो गया, ठीक है, स्पीड भी बढ़ गई है, सस्ते भी हो गए, ठीक है। और साथ ही साथ बिजली का इस्तेमाल भी जो है वो कम करने लगे, ठीक है। और अब जो है इन जो कंप्यूटर थे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, इनकी जो प्रोग्रामिंग है वो भी ज्यादा आसान हो गई, ठीक है। और जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका मेन रूप से जो इस्तेमाल किया जाता था वो किया जाता था न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। जो परमाणु जो बिजली घर होते थे, ठीक है, परमाणु बिजली जो स्टेशन होते थे, प्लांट होते थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसमें इसका इस्तेमाल होता था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो चेंज हुई, मेमोरी जो है इंटरनल मेमोरी के तौर पे जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हम क्या इस्तेमाल करते थे, मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल करते थे। उसका स्थान चेंज हो गया, अब जो है हम मैग्नेटिक ड्रम की जगह सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करने लगे, यानी चुंबकीय टेप का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। इसके अलावा जो है अब जो है पहले वाले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो कई सारे काम जो है वो करना उसने शुरू कर दिया था, ठीक है। एक मतलब ये कंप्यूटर जो है वो कई अलग अलग कार्य जो है उस पर किए जा सकते थे, और चार चार कमरों के कंप्यूटर तो किसी की पहुंच के बाहर थे, लेकिन अब जब कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, ठीक है, सस्ते हो गए, तो वो फिर आम आदमी की पहुंच में जो है वो आने लग गए, ठीक है, और आम आदमी की पहुंच में जो है वो आ गए, ठीक है। इसके अलावा जो स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण जो है इन कंप्यूटर की गति जो है वो माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड हो गई थी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पीड जो है कंप्यूटर की वो माइक्रो सेकेंड से सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में नैनो सेकेंड हो गई, और माइक्रो सेकेंड से जो नैनो सेकेंड हुई है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था, स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का, ठीक है। इन कंप्यूटर में यानी कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम भी शुरू हो गया, उसका भी इस्तेमाल शुरू हो गया, ठीक है।
और जो लैंग्वेज थी वो हाई लेवल की लैंग्वेज जो है वो इसमें इस्तेमाल होने लगी। और वो जैसे कि उदाहरण के तौर पे बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। तो बेसिक जो हाई लेवल की लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल जो है वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में होने लगा। किसके साथ? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। तो अगर हम दोबारा से वापस चलें तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा वैक्यूम ट्यूब की जगह, ठीक है। विलियम शॉकले ने इसका जो है आविष्कार किया। फिर छोटे सस्ते हो गए, ठीक है। मेनली इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता था। मैग्नेटिक ड्रम की जगह अब मेमोरी के तौर पे जो है वो ट्यूब मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से जो इसकी स्पीड है वो माइक्रो सेकेंड से बढ़कर नैनो सेकेंड हो गई, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई लेवल की लैंग्वेज जो है, जैसे पहले हम मशीन लैंग्वेज या लो लेवल की लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, ठीक है, तो उसकी जगह जो है अब जो है वो हाई लेवल की लैंग्वेज का विकास शुरू हो गया। जैसे कि बेसिक, जिसको हम बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड भी कहते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ये मैंने आपको पहले ही शुरुआत में फोटो दिखाई, ठीक है। आया तो हम क्या ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब की जगह, ठीक है। मैग्नेटिक टेप है कंप्यूटर के, ये कंप्यूटर की पिक्चर है आपके सामने कि किस तरह के कंप्यूटर जो है वो सेकेंड जनरेशन के होते थे। तो मेन क्या क्या जो है लक्षण देखे हमने सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के, एक वैक्यूम ट्यूब जो फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल होते थे वो चेंज होकर ट्रांजिस्टर आ गए, साइज छोटा हो गया, बिजली की खपत कम हो गई, ज्यादा फास्ट हो गए, ज्यादा विश्वसनीय हो गए, ठीक है, कम खर्चीले थे फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले, सस्ते हो गए एक तरह से, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज का, जैसे अभी हमने बेसिक की बात की, बेसिक के अलावा जो है कोबोल और फोर्ट्रन जैसी हाई लेवल लैंग्वेज लैंग्वेज जो है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जो है उसका इस्तेमाल शुरू हो गया, ठीक है। जो संग्रहण डिवाइस था आप जानते ही हैं किसका इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया, मैग्नेटिक ड्रम की जगह जो है इंटरनल मेमोरी में हमने जो है वो मेमोरी के तौर पे मैग्नेटिक ड्रम की जगह हम मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करने लगे। प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो इसमें आ गया, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें इस्तेमाल करना हमने जो है वो शुरू कर दिया, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज हो गई, बेसिक है चाहे फोर्ट्रन है चाहे कोबोल है, ठीक है, ये जो है इस्तेमाल करने लगे। तो ये हमारा जो था वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे, ठीक है। तो धन्यवाद।